हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर्वेश कुमार पांडे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब आईआईटीएन मैग्नेटिज्म पे। बच्चों, क्लास 12 स्टार्ट हो चुकी है और ये पहला लेक्चर आ रहा है क्लास 12 पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना। ऊपर टोपी है, पहनाने काम नहीं करेंगे, पढ़ाने काम करेंगे अच्छे से। तो बिफोर आई स्टार्ट क्लास 12, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दूँ क्लास 12 है क्या फिजिक्स में और चैप्टर्स क्या क्या हैं। संभावित रूप से क्लास 12 की मैथ्स की वीडियोज भी आने वाली हैं, वेट फॉर दैट। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर क्लास 12 में क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसके दो पार्ट्स हैं, चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। फिर मैग्नेटिज्म पे आएंगे हम लोग, जिसका पहला चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगले चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक ये सारा का सारा पोर्शन किसके अंतर्गत आने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। और ये पोर्शन दिसंबर तक खत्म होगा। अच्छा टाइम दे रहे हैं हम लोग इसमें, कोशिश ये रहेगी कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मैटर पढ़ा जाए। मैटर किस टाइप का होगा ये बात बता दूं मैं, मैटर कंप्लीटली नीट पे बेस्ड होगा। मतलब इसका जो मैक्स लेवल होगा वो मेन तक जाएगा, लेकिन नीट तो कंप्लीटली बेस्ड है। और बोर्ड्स को हम काफी फोकस करने वाले हैं, इसलिए हम थ्योरी को और एनसीईआरटी को बहुत फोकस करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस थ्योरी और एनसीईआरटी पर ही होगा। और एनसीईआरटी जिस बच्चे का क्लियर है, जिस बच्चे का एनसीईआरटी क्लियर है, जेईई एडवांस छोड़ करके कोई भी 11 12th का कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं बना जिसमें एनसीईआरटी के बाहर आता हो। मेन में भी कुछ हद तक एनसीईआरटी के बाहर आता है, फिजिक्स में तो नहीं आता, केमिस्ट्री में तो नहीं आता, फिर भी आप इतना मार्क्स स्कोर तो कर सकते हो कि सेटिस्फाइड आप हो जाओ, है ना। वैसे कह सकते हो आप 80-90% पोर्शन फिजिक्स का एनसीईआरटी से ही आता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो एनसीईआरटी पर होगा, रीजन बीइंग कि हमें बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके बाद अगले बचे हुए 2 महीने या फिर आप कह सकते हो 2.5 महीने के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि सेकेंड वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए क्लास 12th की, जिसके अंदर चैप्टर्स हैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, जिसका पहला चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन एटम्स न्यूक्लियाई एंड अगला जो अलग ब्रांच चली जाएगी हमारी वो होगी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम ये बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इलेक्ट्रो मतलब सिग्निफाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है समथिंग विच डू नॉट चेंजेस विथ टाइम, जो समय के साथ न बदले, कॉन्स्टेंट रहे, उसे अपन बोलते हैं स्टैटिक। जो मूव ना करे वो क्या होता है, स्टैटिक। तो जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नया टॉपिक है फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो बंदे सीबीएसई के वो आज पहली बार जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। साथ ही साथ आज तो नहीं जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक्स को जानेंगे कि आखिर चार्ज क्या है, चार्ज शब्द कहां से आया और सबसे पहली बार चार्ज कब देखा गया। अक्सर हम लोग आसमान में देखते हैं तो हमें कुछ तारों का समूह दिखाई देता है, सेवन सेजेस, सप्तऋषि बोलते हैं जिसे, दैट मींस सात बुद्धिमान लोग। जो सेवन सेजेस ऑफ ग्रीक थे उनमें एक थे थेल्स ऑफ मेलेटस, और ये बात है आज से बच्चों 2600 साल पहले की। उस टाइम पे क्या था कि लोडस्टोन, जो आज मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, लोडस्टोन आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता था। उस समय अगर हम किसी भी मूवमेंट की बात करें, ऐसा मूवमेंट जिसमें हमने कुछ अपना फोर्स नहीं लगाया है, तो उस समय ऐसा कोई भी मूवमेंट गॉड मूवमेंट माना जाता था, यानी कि उसके अंदर सोल है ऐसा माना जाता था, जो कि बात सही नहीं थी, लेकिन लोग मानते थे क्योंकि किसी ने मोशन नहीं कराया है तो ये गॉड मूवमेंट ही होगा। साथ ही साथ उस टाइम पे एक और घटना हुई थी, घटना क्या हुई थी बताते हैं आपको। एम्बर नाम का एक वो लोग ज्वेलरी यूज करते थे। अब एम्बर क्या है, एम्बर से ही इलेक्ट्रॉन बनाए, कैसे बनाए हम बताते हैं। नॉर्थर्न यूरोप के बेल्टिक रीजन में पहले कुछ कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते थे, बहुत पहले कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते थे, कहां पर, नॉर्थर्न यूरोप के बेल्टिक रीजन में।
इन कोनिफेरस ट्रीज को लोग पूजते भी थे, पूजा भी करते थे, ग्रेटली प्रेस करते थे। और इनके जो रेजिन्स होते हैं, जो रेजिन्स निकलते हैं ट्रीज से, वे जब फॉसिल्ड हो गए, मतलब वे पहले अर्थ के अंदर गए फिर फॉसिल्ड हो गए, फॉसिल्ड होने के बाद वो जो चीज बन के आए दैट वॉज एम्बर, और वो शाइन करता था, इसीलिए उसका नाम एम्बर रखा गया, जो ज्वेलरी के रूप में था। अब उसका नाम एक और रखा गया इलेक्ट्रॉन, उसी एम्बर का नाम रखा गया क्या इलेक्ट्रॉन। अब क्यों रखा गया हम बताते हैं। बेसिकली बच्चों उनके लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन का मतलब सन होता था, जिसकी स्पेलिंग तो एच से होती थी, HELECTRON, इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो लोग प्रोनाउंसिएट उसको ई से करते थे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब सन होता था, और ये जो एम्बर था वो सन की तरह ही साइन करता था, तो उन्होंने उस एम्बर का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया नाम उसका? इलेक्ट्रॉन। अब एक बार एक पार्टी चल रही थी और एक भाई साहब अपने कोर्ट में यही एम्बर ला कर गए थे, इनको बेहोशी छा गई, बेहोश हो गए पार्टी में ये, और कुछ लोगों ने इनके चेस्ट को रब किया। पार्टी में ही सजावट के रूप में कुछ मेंढक के कागज के मेंढक बना रखे गए थे। ऐसा पाया गया कि जिस वूल के क्लॉथ से एम्बर को रब किया गया था, वो वूल का क्लॉथ अट्रैक्ट कर रहा था किसे? उन फ्रॉक्स को। लेटर हम ये जानने लगे कि एम्बर को जब भी हम किसी वूल के क्लॉथ से रब करते थे तो उसके अंदर स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती थी। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे लोगों ने समझा होगा कि यहां पर जरूर कोई ना कोई गॉड मोमेंट है, सोल मोमेंट है। लेकिन ये तो आम आदमी की सोच हो सकती है कि ऐसा कोई मोमेंट में गॉड या सोल की इन्वॉल्वमेंट है। साइंटिस्ट अलग सोचते हैं, बुद्धिमान लोग अलग सोचते हैं। जिस पल थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये बात देखी कि लोग ये कह रहे हैं कि उसमें सोल है, उसने उस पल ये बात सोचा और अगले ही पल उसने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, इसमें सोल या कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसमें जरूर कोई ना कोई फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसमें जरूर किसी कोई ना कोई फिजिक्स इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एक बात को समझ नहीं पाता, अगर वो लोग उस समय किसी भी ऐसे मोमेंट का जो कि जनरेट नहीं था किसी फोर्स के द्वारा, उसको वो लोग गॉड मोमेंट मानते थे, तो ग्रेविटी क्यों नहीं सोच पाए वो लोग उस टाइम पे? ग्रेविटी इतने देर बाद क्यों डिस्कवर हुई? न्यूटन आकर डिस्कवर कर रहा है इस टाइम पे ग्रेविटी, कुछ सौ सालों पहले। तो ये 26 साल पहले डिस्कवर क्यों नहीं, उसके पहले डिस्कवर क्यों नहीं हुई ग्रेविटी? क्या वो ग्रेविटी सोचने की बात करते हैं? खैर ये तो डिबेट का बात हो सकता है। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये चीज ऑब्जर्व हो रहा था कि जो एम्बर था, एम्बर चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था। एक मजे की बात और, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दोनों अलग अलग ब्रांच थे, ये दोनों स्टार्ट एक ही टाइम पे हुए, जिस टाइम पे लोडस्टोन का केस आया था उसी के अराउंड ये एम्बर वाला भी केस आया था। ये दोनों स्टार्ट एक ही जगह से हुए और ये फिर आकर के बाद में कंबाइन हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये कंबाइन तब हुए जब ये पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब ये सब क्या है अच्छे से जानोगे आने वाले लेक्चर्स में। फिर आते हैं बेसिक पे एक बार हम लोग। तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हर जगह फैली हुई है। इनफैक्ट जो आप ये वीडियो देख रहे हो स्मार्टफोन में, ये वीडियो भी आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही देख पा रहे हो। आपके रूम में लगा हुआ एसी, बल्ब, फैन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी ही है। हमारे जिंदगी में मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो ड्रिवेन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही ड्रिवेन होते हैं बच्चों। उसके अलावा हम रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से ही कोरिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन के ऐसे ऐसे अंग में आकर के इन्वॉल्व हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अपने लाइफ से दूर नहीं कर सकते। तो इसको पढ़ना एक क्या कह सकते हैं आप, एक इम्पॉर्टेंट ही था, तभी तो इंक्लूड किया गया इसको, है ना? ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये नहीं लग रहा हो कि प्रो टीचर पढ़ा रहा है, हालांकि हमारा एफर्ट वही है, लेकिन जो प्रो टीचर होते हैं उनके पास एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं, यही तो एक्सपीरियंस का फर्क होता है। तो पॉसिबली अगर कुछ टाइम बदला, हम बदले, तो एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, कंटेंट बोलेगा, कंसेप्ट बोलेगा लेकिन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे हम ये देखें कि एम्बर से हम जब वूल क्लॉथ को रब कर रहे थे तो वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था। ये सेम एक्सपेरिमेंट आप बचपन में देखे होंगे, बचपन में कहाँ देखे होंगे, स्कूल्स में आप लोग जब आप अपने हेयर को पेन से रब करते थे, उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होते थे किससे? उस पेन से। तो वहां भी क्या इन्वॉल्व था? यही चीज इन्वॉल्व थी। लेकिन अब साइंटिस्ट को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, है ना? बहुत पहले उसी टाइम पे 26 साल पहले ही थेल्स ऑफ मिलेटस ने बोल दिया कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक फ्लूइड होते हैं,
दो टाइप के एम्बर के फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एम्बर का ही नाम था ना, तो दो टाइप के एम्बर के फ्लूइड्स होते हैं, रेजिनस और विट्रस। लेकिन उसके बाद लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, बोला कि ये दो टाइप का नहीं है, ये दो टाइप का नहीं है, ये एक ही टाइप का है। वो बोले जैसे मास हमारे बॉडी में है, निगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट तो नहीं है ना मास के बारे में, वो लोग समझे कि चार्ज भी बॉडी में होता है, जो निगेटिव पॉजिटिव नहीं सिर्फ चार्ज होता है। तो बॉडी के अंदर जो चार्ज, वो लोग बोले उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, कि बॉडी के अंदर जो कुछ है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आ रही है देखने को, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन, और बोला ये प्रॉपर्टी कौन सी है, चार्ज की। तो सबसे पहले डिस्कवर कौन सा पार्टिकल हुआ था, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि एटम में न्यूक्लियस के बाहर था, तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ना ही था, क्योंकि लोग जानते थे कि एटम के अंदर जो भी कुछ है, सब्सटेंस के अंदर जो भी कुछ है जिसकी वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहला पार्टिकल डिस्कवर हुआ उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। लेटर ऑन ये पाया गया कि दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का नाम नेगेटिव किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ रहा था, और उनका ये मानना था जो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है वो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, खैर आगे आते हैं पढ़ाई पे। और क्या बातें थी इसमें, अभी हम बेसिक्स ही चर्चा कर रहे हैं कि सब बेसिक्स को जान रहे हैं, जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं बेसिक्स पे बहुत फोकस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब जब ये पाया गया कि इस पेन के अंदर भी वही प्रॉपर्टी है जो एम्बर के अंदर था, तो लोगों ने बोला इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब बहुत सारी घटनाएं आप विटनेस करते होंगे, आप क्या क्या विटनेस करते हैं घटना, सबसे पहली घटना जो विटनेस करते हैं आप अक्सर अपने टीवी स्क्रीन के सामने, जब अपने हाथ को लेकर जाते हैं तो आप ये पाते होंगे कि आपके जो हेयर के हैंड्स है वो थोड़े राइज हो गए होते हैं। और कहां इस घटना को पाते हैं आप, अक्सर ड्राई वेदर में जब भी आप अपने स्वेटर्स को निकालते हैं तो आपको एक क्रैकल साउंड सुनाई देता होगा, दैट इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू हेयर। आसमान में बिजली कड़कना भी समवॉट यहीं से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो और भी चीजें जानेंगे हम अभी। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिस्कवर हुआ, ये बहुत कुछ नॉलेज है नहीं किसी को। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो हम लोग बोलते हैं थॉमसन ने डिस्कवर कर दिया था, लेकिन ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ बच्चा, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, एटम कुछ यूं होता है, और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब कतई ये ना कहना कि ये कोई गोल कोई स्फेरिकल बाउंड्री है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, या फिर कोई स्फेरिकल बाउंड्री है जिसके अंदर एटम है, ऐसा नहीं है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक जा सकता है वो मैंने रेंज बनाया है ना, इतने समझदार तो हो गए वो। ये कोई गेंद की तरह बाउंड्री नहीं बनी हुई है एटम का ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां तक जा सकता है ये बनाया हमने, और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ सकता, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है। अब ये भी न्यूक्लियस भी किसी गेंद के अंदर ऐसे फिट नहीं है बच्चों, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और इसके बाहर क्या पाए जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सेल्स होता है, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बेसिकली ये एनर्जी लेवल होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक के बीच में घूमने वाला है, फिर दूसरा एनर्जी लेवल यहां से यहां तक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां तक घूमने वाला है। ये सब चीजें अच्छे से क्लियर करोगे एटम्स चैप्टर में, अच्छे से बताऊंगा मैं वहां पे। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, मैं दो इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हाउ स्मॉल एन एटम इज, फिर मैं बताऊंगा हाउ स्मॉल एन न्यूक्लियस इज। इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है अर्थ की, अबाउट अबाउट 700 करोड़ है। कितनी है बच्चों, 700 करोड़, अब कमी है इससे, 600 करोड़ से ज्यादा है, 700 करोड़ से कम है, 140 करोड़ तो हम ही लोग हैं, और 140 करोड़ तो चाइना ही है, तो हम दोनों मिला करके ही आधी दुनिया है, इंडिया और चाइना, बाकी तो सब मोह माया है। तो क्रेडिट गोस टू अस, हम लोग मेहनती आदमी है, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़, डजेंट मैटर एट ऑल, 700 करोड़ के अबाउट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अगर तुम 700 करोड़ एटम्स को ले लो, और 700 करोड़ एटम्स को तुम साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड रखना स्टार्ट करो, तो तुम पाओगे सिर्फ एक 70 सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन बन रही है। अब तुम्हें आइडिया हो रहा होगा कि आखिर ये एटम्स कितने छोटे होते हैं, आखिर ये एटम्स कितने छोटे होते हैं। इसके अलावा अगर तुम एक स्फेयर इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन अ स्फेयर जिसका रेडियस 10 किलोमीटर है ना, मतलब ऐसा करो कि एक गेंद बनाओ, जहां आप रहते हो वहां से 10 किलोमीटर दूर उसका सरकमफेरेंस हो,
सेंटर आपका घर हो और वहां से 10 किलोमीटर दूर उसका सर्कमफेरेंस हो, तो उस 10 किलोमीटर के रेडियस वाले स्फेयर में, ध्यान देना बच्चों, उस 10 किलोमीटर के रेडियस वाले स्फेयर में अगर आप सेंटर पे एक 10 सेंटीमीटर के रेडियस का बॉल रखते हो, कितना, मात्र 10 सेंटीमीटर रेडियस की बॉल, तो ये एक न्यूक्लियस है एक एटम के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर एटम उतना बड़ा होता तो न्यूक्लियस इतना छोटा मात्र होता। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। और यही तो कारण था क्लास 9 पे जब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल जा रहे थे बिना डेविएट हुए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उसके रेंज में आएंगे ही नहीं ना, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स के रेंज में आएंगे। ये तो कारण था। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरी होती है। इस न्यूक्लियस का जो स्पेस होता है एटम के अंदर वो 0.01% होता है। मतलब एटम अगर 100% है तो मात्र 0.01% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन, न्यूक्लियस। मजे की बात ये है कि अगर एटम का मास 100 है तो 99.99% मास कौन ले रहा है, न्यूक्लियस। क्या बात है, मतलब स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.01%, और मास कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 99.99%। क्या बात है, ये है कुछ न्यूक्लियस हमारा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब हम जानेंगे कि आखिर चार्ज कैसे आ गया। हम इलेक्ट्रॉन को मास मानते तो क्या दिक्कत होता, इलेक्ट्रॉन को हम मास ही मानते तो क्या दिक्कत होगा। इलेक्ट्रॉन के पास आखिर ऐसा क्या था कि हम उसको मास नहीं, मास के साथ साथ चार्ज भी बोलते हैं। तो अब असली स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां से पेन पेपर निकालो, लिखना स्टार्ट करो, नोट्स खुद से बनाओ, और नोट्स ना बना पाओ तो नोट्स नीचे मिल जाएगा, बहुत ही बदसूरत हैंड राइटिंग में। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि नोट्स खुद से बनाओ। इसके पहले मैं जितना पॉइंट बताया हूँ नोट करना चाहो तो कर लो, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस अब है जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं बताऊंगा कि आखिर ये चार्ज कहाँ से आया। बिल्कुल, आज चार्ज को ऐसे सीखोगे जहां इसके पहले कभी नहीं सीखे होगे, और अब जो मैं डेटा देने वाला हूँ ये एचसी वर्मा बुक पे बेस्ड है, ठीक है ना। खैर, लेट मी नॉट शो यू माई उजला चमन यार, चलो मेरा मेरा गया, मैं तो वैसे ही बालों में अच्छा लगता नहीं था डर तुम्हारे शुभम सर को है। खैर, आते हैं टॉपिक पे, आते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चों। देखो क्या है ना कि अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को मास मान लो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या मान लो, मास, मतलब डिस्कवरी हुई और मान लो कि मास है, मास तो होगा ही, पार्टिकल है तो मास है, पार्टिकल इज मैटर एंड मैटर इज मास, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो मास है इसके पास, पार्टिकल भी है। तो अगर मास मानते तो हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके फोर्स में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके फोर्स में रिवॉल्व कर रहा है तो हो सकता है कि ये सन की भूमिका निभा रहा हो सूरज की, और ये भूमिका निभा रहा हो किसकी, पृथ्वी की। तो जिस प्रकार सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड के सन के जीएफ के इन्फ्लुएंस में अर्थ मूव करती है, उस प्रकार न्यूक्लियस के जीएफ के इन्फ्लुएंस में, जीएफ बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हालांकि अपने अकॉर्डिंग तुम इसका नामकरण कर सकते हो, क्या हो सकता है तुम्हारे लैंग्वेज में। अच्छा एक बात याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव, सो जीएफ इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड बी अवेयर ऑफ इट। खैर, आते हैं पढ़ाई पे। तो इलेक्ट्रॉन है जो बच्चों, वो इससे अट्रैक्ट होता, और किससे अट्रैक्ट होता, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम क्या करेंगे, कॉल लगाएंगे न्यूटन, टू टू न्यूटन का फोन आ गया, पूछे उनसे क्या हम न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उन्होंने बोला कि भाई साहब जो फोर्स निकलने वाला है वो क्या है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल सी बात है, और ये कहाँ अप्लीकेबल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ही, छोटा सा है, तो लगा देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स, है ना। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट में कहाँ आप यूज नहीं कर सकते हो, आपको एक रॉड के बीच और एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जो फोर्स निकालना हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे ये मार्कर और ये कोई स्फेरिकल बॉल हो गया, है ना, तो वहां पर ये बात को यूज नहीं कर सकते, वहां हम लोग इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं निकालने के लिए। अब जब आएंगे ग्रेविटेशन पे तब बताएंगे, और एक ग्रेविटेशन पे आएंगे हम 11th क्लास में, ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर ये बहुत रिलेटेड है, तो तुम्हारे पास एक पेज होना चाहिए जो ग्रेविटी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक को और इस चैप्टर को एक साथ लेते जाए, लिख के चले, है ना। हम बताएंगे टेक्निक जो हम मैग्नेटिज्म एंड कर देंगे,
और साथ ही साथ जब क्लास 11th में ग्रेजुएशन एंड हो रहा होगा तो मैं एक क्लास लूंगा सिर्फ इस पे कि 11th 12th में जो चैप्टर मिल रहा है ग्रेविटेशन और जो 12th में मिल रहा है ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म ये किस तरह रिलेटेड है। तो अगर हम ये सॉरी फोर्स लगाएं तो कैसे लग सकता है बच्चों। ऐसा करते हैं हम कि दो इलेक्ट्रॉन को एच सी वर्मा जी ने बोला कि हम दो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख देते हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट। हमने फोर्स क्या है लिख रखा है कॉपी में देखेंगे अभी हम। ये ना बोलिएगा सर चीटिंग करके आ रहे हैं। हालांकि चीटिंग करके ही आ रहे हैं पढ़ के ही आ रहे हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। खैर तो एफ क्या आने वाला है बच्चों। एफ जो आया वो था जी की वैल्यू कितनी थी 6.67 × 10⁻¹¹ है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अपन यूनिट नहीं लिख रहे हैं जाने देते हैं। मास हमने किलोग्राम में लिख रखा है ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो जाएगा 9.1 × 10⁻³¹ का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और ये तो है। उसके बाद डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर तो दैट इज 10⁻²⁰ मीटर उसका होल स्क्वायर −4 मीटर। ठीक है बच्चों। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 5.5 × 10⁻⁵। देख लें जरा एक बार −67 सॉरी बच्चों −67 न्यूटन। थोड़ा दिशा भ्रम हो गया हमको। और जाहिर सी बात है फोर्स क्या होगा अट्रैक्टिव जी एफ इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर तो ये फोर्स क्या होगा अट्रैक्टिव। लेकिन आज जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव होता है तो ये फोर्स एक्सपेक्टेड था बच्चों। हम यहाँ एक्सपेक्टेड लिख दे रहे हैं एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेड फोर्स है। यहाँ ये तुम उम्मीद कर रहे थे इतना फोर्स आएगा लेकिन देखते हैं कितना आता है। और फोर्स एक्सपेक्टेड कितना है 5.5 × 10⁻¹⁷ न्यूटन वो भी अट्रैक्टिव दो इलेक्ट्रॉन के बीच में व्हेन दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। और यहां पर हमने एक फोर्स ऑब्जर्व किया हमने फोर्स ऑब्जर्व किया जो कि कितना आ रहा था देख लेते हैं एक बार। जो फोर्स ऑब्जर्व था वो आ रहा था 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। मजे की बात ये थी ना बच्चों कि ये फोर्स कैसा था रिपल्सिव था। और नारद मुनि को गुस्सा आ गया सोच ये बढ़ गए ना साइंटिस्ट यार अपन क्या सोच रहे थे और क्या निकल गया ये क्या क्या था और क्या निकल आया। मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो सिर्फ ये अट्रैक्शन और रिपल्सन चिंता का बात नहीं था चिंता की बात बहुत बड़ी थी जो तुम शायद देख पा रहे हो अभी। देखो जरा फिर से तो एक बार देखो तो ये फोर्स कितना है ऑब्जर्व फोर्स कितना है जो ऑब्जर्व किया गया वो था 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। अब देखा जाए तो ये वैल्यू तो कुछ नहीं है फोर्स की ना भाई 1 न्यूटन है और 10⁻¹ होता मतलब 0.1 -2 पे 0.01 -3 पे 0.001। अब ये तो −24 है तो 0.1 बहुत छोटी सी वैल्यू है ना तुच्छ सी वैल्यू है तुम्हारे साथ हाथी के सामने चींटी है ये तो। नहीं, ब्लू वेल के सामने चींटी है ये तो। देखो तो क्या है ये कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा करो कुछ ना करो बस इस फोर्स के इस मैग्नीट्यूड को इस ऑर्डर को जरा इससे कंपेयर करो तो अब मिलेगा तुम्हें क्या करिए कितनी बाप चीज है। यहां पे कितना है बच्चों −67 मतलब 1/10 के आगे 10 के आगे 67 जीरो और यहां पर 1/1 के आगे 24 जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑब्जर्व्ड है ये वे 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 वेरी 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 मच ग्रेटर देन फोर्स एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा बड़ा है। दिख रहा है तुम्हें तुम कंपेयर करो तो −24 को और इसे कंपेयर करो ये तो भूल भी जाओ तुम चलो इसे 25 कर लो तभी भी कंपेयर कर लो एक बार तो भी कंपेयर करोगे ना तो ये वैल्यू वे 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 लार्जर देन दिस वैल्यू आएगी। तो एक बात तो पक्का था कि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था वो तो तभी पक्का हो गया था जब फोर्स रिपल्सिव आ गया है ना क्योंकि ग्रेविटी रिपल्सिव हो नहीं सकती तो ग्रेविटी रिपल्सिव नहीं हो सकती तो यहां पर जो एक्स्ट्रा फोर्स जो तुम्हें मिल रहा है वही कुछ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो डेफिनेशन दी है ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फोर्स प्ले में आ रहा है हम इस एक्स्ट्रा फोर्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इस एक्स्ट्रा फोर्स को क्या नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये एक्स्ट्रा फोर्स इलेक्ट्रॉन के या फिर चार्ज के जिस प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है उसे अपन चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज आप बोल रहे हैं ना
पहले तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। चार्ज नहीं बोल देंगे मेरी तरह जो अभी बोला हूं मैं, नहीं, पहले बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन में जो प्रॉपर्टी इस फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स को जन्म दे रही है, जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस प्रॉपर्टी की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट दो प्रोटॉन्स के बीच में फॉलो किया गया, जब दो प्रोटॉन्स के बीच में फॉलो किया गया तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था बिटवीन टू प्रोटॉन्स वो कितना आ रहा था देख लेता हूं एक बार। मतलब इससे तो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है ना, लगभग देख लो तो एक तरीके से 10 लाख टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है। बट व्हाट, अगर हम बात करें दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो कितना है बच्चों, इतना ही। तो अगर तुम इससे भी कंपेयर करो इसको, तो क्या पाओगे कि ये फोर्स इससे भी तो बहुत बड़ा है ना, ये फोर्स इससे तो बहुत बड़ा है ही, तो क्या इससे भी तो बहुत बड़ा है ना, -60 यहां पर, -6, -24 यहां पर, तो अभी भी तो बहुत बड़ा है ये। तो ये कुछ था, है ना, तो इस चीज को चाहो तो नोट कर सकते हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन है, और ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऑब्जर्व करने पे आ रहा था, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी इतना ही आ रहा था और दो प्रोटॉन्स के बीच में भी समवट इतना ही आ रहा था, है ना। जब हम दो न्यूट्रॉन्स की बात करने लगे, जब हम दो न्यूट्रॉन की बात किए, ध्यान सुनना, जब हम दो न्यूट्रॉन की बात किए तो उनके बीच, अच्छा ये अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स था ना तो अट्रैक्टिव है, तो दो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स इतना ही आ रहा था, क्यों, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जस्ट बराबर ही होता है, तो उनके बीच में जो एक्सपेक्टेड फोर्स था वो इतना था, और उनके बीच जो ऑब्जर्व फोर्स था बच्चों वो भी इतना था, जो इस बात को प्रूफ किया कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। लेटर ऑन ये बात प्रूफ हुई कि न्यूट्रॉन के पास कोई नेट चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन जिन चीजों से मिलकर के बना है वो भी चार्ज ही है, लेकिन न्यूट्रॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। रेस की बात थी तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमने इसका नाम पॉजिटिव रख दिया, कारण यह था कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर होने के बहुत पहले हम सेल्स बना चुके थे, और सेल्स में हम असाइन किए थे एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ना वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, तो बाद में रिसर्च से ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये जो दो डिस्कवर हुए थे रिपेल कर रहे हैं, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब यार पॉजिटिव की तरफ कौन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखे वो लोग, नेगेटिव। बेसिकली 1897 में डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, और 1879 में हमने सेल्स यूज करना स्टार्ट कर दिया था जिसमें दो टर्मिनल्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये रेस की बात थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात बोलते हैं कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों है, और अंत में मैं सिर्फ इतना ही सोच पाता हूँ, ये रेस थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कि पॉजिटिव कौन होगा, और प्रोटॉन रेस जीत गया, है ना। तो ये तो बस कहने की बात है, हालांकि ये ना सोचना कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन से कम है बराबर ही, नेचर अपोजिट है, क्या है बच्चों, नेचर अपोजिट है। तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो, ये चीजें हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लो, और अगर ये चाहिए कि ये कहाँ लिखा हुआ मिल सकता है तो आप एचसी वर्मा का ये चैप्टर खोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इन्हीं बातों से है, और बेहतर इंट्रोडक्शन है एचसी वर्मा सर हमारे लिए, तो अब क्या ही बोले एचसी वर्मा सर हमारे लिए क्या है ना, हम तो उनके सामने एक धूल का टुकड़ा भी नहीं, एचसी वर्मा सर के सामने, तो उनकी हमने उनकी किताब से हमने ये मैटर दिया है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, अब हम लिखवाएंगे चार्ज, और अब हम आएंगे अपने बुक इस लैंग्वेज पे आएंगे, अब हमारा सिलेबस भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों चार्ज का डेफिनेशन देखो, एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन, हम डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की प्रॉपर्टी है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हमने यहां पर लिख दिया है, यहाँ इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो ये एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है बच्चों, क्या है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रेंसिक का मतलब होता है,
इंट्रिंसिक क्या होता है, थोड़ा वीडियो पॉज बता। इंट्रिंसिक मतलब समथिंग जो कि आपके फंडामेंटल पार्टिकल से एसोसिएटेड हो। इंट्रिंसिक मतलब सबसे अंदर की चीजों से जो अट्रैक्टेड कर रहा हूँ, एसोसिएटेड हो, उसे अपन इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो चार्ज एटम से रिलेटेड नहीं है, चार्ज एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो इंट्रिंसिक काफी अंदर, सब्सटेंस के अंदर, एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई विच, यहाँ लिख लो इंट्रिंसिक, हालांकि हमने यहाँ लिख दिया है इंट्रिंसिक, लिख लेना तुम यहाँ पर, बाई विच मैटर एक्सपीरियंसेस, मैटर एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों ये तो थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट लग रहा है, चलो इलेक्ट्रिक समझ में आ रहा है, थोड़ी देर पहले पढ़े हम इलेक्ट्रिक क्या होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। हाँ बच्चों, अगर दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो है ना, या फिर चलो एक इलेक्ट्रॉन को ही मूव कराओ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना और वो मैग्नेट के पास अगर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट पाएगा, होगा इफेक्ट। अब क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, हम जानेंगे उस चैप्टर में, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो हम ऐसा कोई पॉइंट बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं जो थोड़ा भी हाई लेवल का है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चार्ज शो करता है बच्चों, जब चार्ज मोशन में आता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो ठीक है बच्चों। अच्छा, इट इज द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम इसीलिए पहले बता दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्वेशन से आ चुका है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स निकला था वो ऑब्जर्वेशन से आ चुका है बच्चों। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या है, कूलाम। सीजीएस में हम लोग सेट कूलाम पढ़ते हैं, फ्रैंकलिन, हमने कहीं तो सेट कूलाम पढ़ा था, तो इसके बारे में ज्यादा श्योर हूं नहीं, फिर भी फ्रैंकलिन के बारे में श्योर हूं। तो फ्रैंकलिन इसकी एक सीरीज यूनिट होती है, शायद सेट कूलाम भी होती है, ये मैंने कहीं तो पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना। तो इसको कंसिडर कम मत करना, या फिर करना तो रिसर्च करके ही करना कंसिडर इसे, ठीक है। सॉरी। अब टाइप्स ऑफ चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जांपल, पॉजिटिव का प्रोटॉन और नेगेटिव का एग्जांपल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, और ये रिपल्शन कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन, कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात आती है एक न्यूट्रल बॉडी और दूसरे न्यूट्रल बॉडी, एन फॉर न्यूट्रल हियर, ये एन फॉर न्यूट्रल है बच्चों। तो दो न्यूट्रल बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, बट दिस अट्रैक्शन इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक बट इट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसके साथ ही किसी न्यूट्रल बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच में होता है अट्रैक्शन, और न्यूट्रल बॉडी और नेगेटिव बीच के बॉडी में भी क्या होता है, अट्रैक्शन, और ये दोनों ही अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। थोड़ा सा मैं इस टाइम पे कफ फील कर रहा हूँ, काफी दिनों से कफ फील कर रहा हूँ, होप आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव। खैर, तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो लिख सकते हो आप, लाइक, लिखो बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक वंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस बोर्ड में पड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों हम मूव कर रहे हैं आज के अंतिम टॉपिक की वजह की तरफ, आज का वीडियो शॉर्ट ही रहेगा क्योंकि इंट्रो वीडियो था, अपन अब अगले वीडियो से कम 1 घंटे की वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। तो आज का जो अंतिम टॉपिक है बच्चों, वो है डिफरेंसेस अमंग चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस दिख रहा है, हमने लिख दिया ना कि बहुत टाइम किल ना हो आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं हमें पता है, लेकिन मास में कोई भी कंसेप्ट नहीं होता कि किसी का पॉजिटिव मास हो किसी का नेगेटिव मास हो, है ना, ये कोई कंसेप्ट नहीं होता मास के अंदर। चार्ज और मास ये दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब चार्ज भी इंटरनल प्रॉपर्टी से ही एसोसिएटेड होता है, लेकिन और ये मास भी उसी से ही एसोसिएटेड होती है, ये तो सिमिलरिटी या डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये कह सकते हो कि मास सिर्फ इंटरनल से एसोसिएटेड नहीं है, एक मास बड़े प्रॉपर्टी से भी एसोसिएटेड है, मतलब एक बॉटल के पास भी मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, ठीक है ना।
वो अलग की बात है, बोरो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाए, तो इनकम्प्लीटली हम इसको एक्सट्रिंसिक नहीं बोलते हैं, तो हम लोग एक इंट्रिंसिक वर्ड यहाँ अच्छे से यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट विद स्पीड, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गति से जा रहे हो, लेकिन मास को फर्क पड़ता है, चेंज होता है स्पीड के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ोगे, ठीक है। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास एंड कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज को मास की जरूरत है एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन मास को चार्ज की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। चार्ज का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मास का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और अंतिम पॉइंट है बच्चों, फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, देखे ही थे, लेकिन जो मास के बीच में फोर्स लगता है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, वो अट्रैक्टिव ही होगा। वो अलग की बात है, अगर मास में चार्ज है तो वो चार्ज का फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी, लेकिन अगर हम वहां चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ मास की बात कर रहे हैं, तो वो फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो इन्हीं डिफरेंसेस के साथ हम विदा लेते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं वीडियो पॉज करके ये डिफरेंसेस नोट करने के लिए। तो उम्मीद है नोट कर लिए होगे, अंतिम पॉइंट नोट कर लेना कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, चार्ज मास की प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो पहला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, ये क्लास 12th का लेक्चर 1 था, उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबाओ, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो कि उन तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। अब अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस पे ही, अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, और एट द एंड ऑफ क्लास हम कोई उपाय तो कर रहे हैं कि आपको डीपी दे दें करने के लिए, डीपीपी सॉरी, आजकल सिर्फ दिल्ली पुलिस ही आ रहा है सामने इसलिए क्योंकि सिलेक्शन है किसी का, खैर तो डीपीपी दे देंगे सॉल्व करने के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वो आप सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।